Hi guys, I am Nancy and in this video I share with you my top 10 favorite skincare, hair care and body care product under 500. Before moving on to video, please make sure subscribe to my channel. Now let's get started. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 प्रोडक्ट शेयर करूंगी स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर के, जो कि अंडर 500 है। ये सारे प्रोडक्ट अंडर 300 में भी आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हो तो ऑलवेज आपको ऑफर और डिस्काउंट्स मिलते ही रहते हैं। आप इसे डिस्काउंट में अंडर 300 इजीली परचेज कर सकते हो। बट मैंने इसके MRP के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया है, तो मैंने इसके एक्चुअल प्राइस ही मेंशन किए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर केयर की। तो मेरे पास अभी हेयर केयर में दो प्रोडक्ट है, शैम्पू और कंडीशनर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाव एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू की। ये इजीली आपको नाइका, अमेजोन पर्पल और इनकी खुद की ऐप इस पे अवेलेबल हो जाएगा। इस शैम्पू को मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आई हूँ एंड आई रियली रियली लाइक दिस। इससे ना हल्का फुल्का जो हमारा डैंड्रफ है वो भी ख़त्म हो जाता है और ये काफ़ी अच्छे से आप स्कैल्प को क्लीन कर देता है। और ये शैम्पू जो है पैराबेन और सल्फेट फ्री है, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके हेयर को ड्राई करे बिना बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, जो कि काफ़ी हद तक आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस लॉरियल 6 ऑयल नरिशिंग कंडीशनर। इसका शैम्पू भी आता है, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्पेशली ये कंडीशनर तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करता है और ये आपके हेयर को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बना देता है। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट कंडीशनर। मैंने बहुत सारे कंडीशनर ट्राई किए हैं, ट्रेस्मे, डव, और इन सबसे बेस्ट जो है मुझे ये वाला लगता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। स्पेशली मुझे ये दोनों का कॉम्बो यूज़ करना बहुत पसंद है। यूजुअली हम जो भी कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हैं हम उसी कंपनी का कंडीशनर यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। एंड आई यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर इयर्स एंड इयर्स नाउ एंड आई हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू स्किन केयर। सो सबसे पहले मेरे पास है ये वाव का चारकोल फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को डीप क्लीन कर देता है। यू गाइस कैन सी यहाँ पे ना इसमें सिलिकॉन ब्रिसल्स है, जो कि काफ़ी जेंटली आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने का भी काम करता है। जब भी आप बाहर जाके आते हो पॉल्यूशंस में, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को डीप क्लीन कर देता है। सेकंड आई हैव दिस गुड वाइब्स रोज हिप सीरम, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लोई स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसे लगाने के बाद यू नो एक अलग से ही मतलब आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है और ग्लोई लगती है। और ये प्रोडक्ट जो है मेकअप के अंडरनेथ भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इसका टेक्स्चर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में एंड आपको ग्लोई और हाइड्रेटेड स्किन देता है। ये प्रोडक्ट आपको इजीली पर्पल पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मेरे पास गुड वाइब्स से ही है। ये गुड वाइब्स का आलमंड फेशियल ब्राइटनिंग ऑयल है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में ना कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है सीरम होता है जिसे हम मॉइस्चराइजर के पहले लगाते हैं, जिसे बेसिकली आप डे टाइम और नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और ये फेशियल ऑयल है जिसे हमें मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है और स्पेशली आप इसे नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये फेशियल ऑयल है कि स्किन को थोड़ा सा ऑयली बनाएगा, बट इट्स वर्क रियली रियली वेल। मेरी ड्राई स्किन है, कभी कभार मुझे अपने फेस पे जो है ड्राई पैचेस भी आ जाते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर जगह पे जो है ये फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छे से उस ड्राई पैचेस को ख़त्म कर देता है। एंड इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन देन प्लीज़ डू चेक दिस आउट, दिस वर्क्स वंडर। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा। दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम गुड वाइब्स। नाउ गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट है ना वो पैराबिन सल्फेट फ्री होते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप टीनेजर हो और आपको अफोर्डेबल रेंज में अपना स्किन केयर बनाना है, तो आप गुड वाइब्स के प्रोडक्ट ज़रूर चेक करिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गुड वाइब्स रोज़ ग्लो टोनर। सो इस तरीके की ये कुछ पैकेजिंग में आता है और ये इसका स्प्रे भी काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मैंने देखा है जो ये स्प्रे पंप होता है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन इसका स्प्रे पंप जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी अच्छी रोज़ वाटर की स्मेल है। ऑफकोर्स दिस इज़ अ रोज़ ग्लो टोनर, सो इसमें रोज़ की स्मेल होगी, लेकिन बहुत बार होता है ना कि रोज़ की फ्रेगरेंस और पावरिंग होती है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है। आप जब भी चाहो इसे स्प्रे कर सकते हो, आपकी स्किन को काफ़ी इंस्टेंटली रिफ्रेशिंग बना देता है। नेक्स्ट आई हैव दिस न्यूट्रोजिना सन ब्लॉक। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, ये आपको वाइट कास्ट भी नहीं देती है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि जो भी मैंने आज तक सनस्क्रीन ट्राई की है वो सारी सनस्क्रीन जो है बहुत ही गंदा वाइट कास्ट देती है, विच आई हेट। सो ये सनस्क्रीन जो है आपको वाइट कास्ट नहीं देती है। ऑफकोर्स आप इसे जब लगाओगे तो हल्का सा वाइट कास्ट लगेगा, लेकिन वो भी आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है।
एंड ये एवरी स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ज़्यादा क्रीमी नहीं है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। अभी रिसेंटली ही मैंने वाव की सनस्क्रीन भी ट्राई की है, जो ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं आया, बट ये न्यूट्रोजिना की सनस्क्रीन है, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। ट्रस्ट मी, हर एक स्किन टाइप को बहुत ही अच्छे से शूट करती है। मैंने इस न्यूट्रोजिना की सनस्क्रीन को वाव की सनस्क्रीन के साथ कंपेयर भी किया है, तो यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो ये लास्ट प्रोडक्ट है स्किन केयर रेंज में, विच इज़ अ सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, बट अभी समर और मानसून के सीजन में मेरी स्किन यूजुअली नॉर्मल ही रहती है, तो इसके लिए मुझे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर इतना सूट नहीं करता। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर अगर मैं इस सीजन में यूज़ करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लगता है, बट दिस वर्क्स रियली वेल और काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, एट द सेम टाइम ये अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज भी कर देता है। सो ये कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी भी मेरी तरह ड्राई स्किन है और समर और मानसून में आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, सो इसे आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू बॉडी केयर। रिमेंबर, मैंने आपको अपने पर्पल हॉल में एक निविया का सोप दिखाया था। सोप जो है मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। बेसिकली मैं जो है शावर जेल यूज़ करती हूँ, सोप ट्राई किया है। ये आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है और एट द सेम टाइम ये आपके स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करता है। बेसिकली हम शावर जेल यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है अच्छे से क्लीन हो जाए और ड्राई ना हो। यूजुअली जो सारे सोप है वो अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन तो करते हैं, लेकिन वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई बना देते हैं, बट ये बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन तो करता ही है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बना देता है, मतलब विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन। ये काफ़ी अच्छे से आपकी बॉडी को डीप क्लीन कर देता है। मामा अर्थ का विटामिन सी बॉडी लोशन, ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट बॉडी लोशन। ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है और एट द सेम टाइम ये आपको की स्टिकी फील भी नहीं करवाता। मतलब बहुत सारे बॉडी लोशन होते हैं जो कि आपके हैंड्स और लेग्स पूरे स्टिकी और ग्रीसी लगते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। ओके, सो ये थे मेरे टॉप फेवरेट 10 हेयर केयर, स्किन केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स अंडर 500। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So please like, share and subscribe to my channel. I see you in my next one. Bye bye.